सड़क पे हगने वाले, सड़क पे हगने वाले रेलवे ट्रैक पे उठा के मूतने वाले कह रहे हैं कि सड़क पे शौचालय नहीं थे। ग्लोबल इंडिया, सुपर पावर इंडिया, बेहतरीन इंडिया, मेक इन इंडिया, गोल्डन एज में इंडिया, सबसे ऊपर इंडिया, सबका बाप इंडिया, ऐसा इंडिया बना रहे हम। अभी तो मोदी है, आगे योगी है, अभी तो आगे योगी है, उसके बाद बहुत कुछ है, लिस्ट बहुत लंबी है। दुनिया में लाखों हसीनाएं होंगी और बहुत से हसीन भी होंगे, किसी के सामने दुनिया नहीं झुकती, झुकाने वाला है भारत के ये बेटे जो आज पूरी दुनिया को झुका रहे, और उसका ईमानदारी से मान सम्मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे। क्या नाम है सचा आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, क्या लग रहा है सुरेश कुमार जी इस बार 24 में किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? 24 में आपके पास बदलाव होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। कौन बनेगा? बने चाहे कोई भी, बने विपक्ष में बनेगा कौन, लेकिन बनेगा कोई भी, बहुत बड़ी विपक्ष है, कोई बात नहीं, सबकी सहमति। कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, इतने बड़े नाम है, सबकी सहमति से चुना जाएगा, सबकी सहमति से बनेगा, सबकी सहमति से बनेगा। अच्छा, हाँ, साल में एक है, पाँच साल में ये आप कह रहे हैं, एक साल में एक, पाँच साल के लिए बनता है। क्यों परिवर्तन क्यों, क्या आपको बुरा लगा मोदी सरकार में, क्या बुरा लगा आपको? सारा कुछ बुरा है, सारा कुछ कैसे, सारा कुछ बुरा, सारा कुछ वो पता नहीं है, वो नहीं पता है, वो नहीं पता है, हंसे हंसने की बात नहीं है, क्यों बुरा लगा वो पता नहीं, नहीं नहीं आप बस के पास चल नहीं सकते, समझ गए नहीं समझ गए, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, नौ साल के देश का बेड़ा गर्क, देश का बेड़ा गर्क, जितना अच्छा करा हो वहां से वहां चले जाइए आप, जितना अच्छा करा हो। अभी तो मोदी है, आगे योगी है, अभी तो आगे योगी है, उसके बाद बहुत कुछ है, लिस्ट बहुत लंबी है। आपके कहने से मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए मैं सबसे पहले सुनो, अभी कह रहे थे रोजगार, जो आदमी, अरे सुनो पहले, जो आदमी पावरोटी में मक्खन लगा के गरम करके बेचता था ना, आज उसका नाम मैकडी है, तुम्हें पकौड़ा तलने में बुराई लग रही है। जो आदमी सड़क के किनारे बीकानेर में भुजिया तलता था, उसका नाम बीका जी है, बीका स्वरूप। बीका जी के एक काउंटर के सामने काउंटर खोलने की हैसियत नहीं अभी बहुत सारे युवाओं की। वो पकौड़ा तलता व तलने वाला ना, रेलवे स्टेशन के बगल में 100 गज की दुकान है उसकी, 100 गज की दुकान है। बीइंग अ बिजनेसमैन, पावरोटी तलो, मक्खन लगा के मैकडी बन जाओ, बीका जी बन जाओ, हल्दीराम बन जाओ, कोई बुराई नहीं भाई साहब। हर आदमी हल्दीराम नहीं बनता, हर आदमी हल्दीराम नहीं बनता। पहले सुन लो, पहले मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज को दबा नहीं सकता, पहले मेरी आवाज सुनो, पहले मेरी आवाज। कबाड़ी की कहानी, क्या बात है, एक कबाड़ी की कहानी सुनाते, अरे करके सुनो, पढ़ाया जाता है, तुम पकौड़े मत तलो, लाखों रुपए लगाओ, लाखों रुपए लगाओ, इसी बीकाजी में अरे छोड़ो, लाखों रुपए लगा दो, अरे सुनो, अरे उनसे सुन लो, अरे सुन लो, नहीं नहीं पकौड़े नहीं बन पाएंगे, है कि मोदी जी ने 9 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे कुछ नहीं किया, वर्ल्ड क्लास इंडिया, ग्लोबल इंडिया, सुपर पावर इंडिया, बेहतरीन इंडिया, मेक इन इंडिया, गोल्डन एज में इंडिया, सबसे ऊपर इंडिया, सबका बाप इंडिया, ऐसा इंडिया बना रहे हम, ऐसा इंडिया बना रहे हम। सुनो, अटल बिहारी के टाइम में भी साइन इंडिया ऐसा है, जो क्या हुआ था, गांव तक सड़क, घर के दरवाजे तक सड़क पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, गांव गांव तक शौचालय, गांव गांव तक हाईवे पहुंचाने का काम किया मोदी सरकार ने। सड़क पे हगने वाले, सड़क पे हगने वाले रेलवे ट्रैक पे उठा के मूतने वाले कह रहे हैं कि सड़क पे शौचालय नहीं थे। अरे नई दिल्ली में नहीं था शौचालय, गांव की तो बातें छोड़ो, तो प्याऊ भी लगे हुए थे, आज के टाइम में भैंस पानी को बेच दिया सरकार ने, पहले तो प्याऊ लगे थे, लगे होते थे। पैसे से तुम मान सम्मान नहीं खरीद सकते हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूरे पाकिस्तान का पैसा लेके किसी देश जाए, कोई मान सम्मान नहीं है। तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान, अरे सुनो, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान तुम्हारी मेहनत से है, तुम्हारी मेहनत से है, और इसको अर्जित किया है एक एक बेटे ने, एक एक
बेटे ने अर्जित किया है, वो कुछ बनाता है, सम्मान से कमाता है, तब भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया में सम्मान मिलता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं मिलता? अरे एजुकेशन वर्ल्ड के बेहतरीन एजुकेशन, 100-125 करोड़ भारत में तुम्हें जो एजुकेशन मिल रही, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है। मैं वो सुनो, सुनो मेरी बात, अरे सुन ले मेरी बात। जिस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, अपना बोरा खुद बिछाता था, अपना स्कूल खुद साफ करता था, और मेरे लिए, मेरे द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए अमेरिकन, रशियन, कांग्रेस की देना, आप ये मत बोलो कि बीजेपी की, कांग्रेस बेवकूफ आदमी, एक बेवकूफी अपने दिमाग से निकालो, ये बेवकूफी अपने दिमाग से निकालो। देश का मान सम्मान, देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान ये युवा जुटाता है, ये पैदा करता अपने घरों में, तब भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है। अरे नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, अरविंद, नहीं करता, सुनो, अरे छोड़ दो दुनिया, अरे सुनो बाबू, सुन लो, दुनिया में लाखों हसीनाएं होंगी, दुनिया में लाखों हसीनाएं होंगी और बहुत से हसीन भी होंगे, किसी के सामने दुनिया नहीं झुकती, झुकाने वाला है भारत के ये बेटे जो आज पूरी दुनिया को झुका रहे, और उसका ईमानदारी से मान सम्मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे, जो खुद पार्टियां यही बोल रही है, विपक्षी पार्टियां यही बोल रही है कि मोदी देश को झुका रहे, ये लगा हो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे भी मान सम्मान को डुबा दिया था आज से कुछ दिन पहले ही, 2010 से पहले ही तुम्हारे मान सम्मान को डुबा दिया, हमारे मान सम्मान को डुबा दिया, तुम्हारे देश में खिलाड़ी नहीं आ रहे थे, वो था साल 2011, मैं पास हूँ MSc 2009, 10 में जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमारी स्थिति ऐसे देश की थी जहाँ मान सम्मान कूड़े के भाव था। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुन लो, आप विपक्षी पार्टियां यही बोल रही है, मेरी बात सुन लो, विपक्षी पार्टियां यही बोल रही है मोदी जी देश को झुका रहे हैं, भारत को झुका रहे हैं, भारत के मान सम्मान को अर्जित करने में विपक्षी पार्टी ना कोई नेता है, कोई भी नहीं है, ये भारत के युवा बच्चे हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, रोजगार देते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसकी दुनिया को डिमांड है। अगर तुम पहले तो कोई फैक्ट्रिया नहीं थी, नहीं पहले कोई 14 के बाद ही सब आ गए, घर का मालिक, ये 2014 के बाद तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम, हवाई भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, 14 के बाद ही हुई क्या, पहले इंजेक्शन नहीं थे क्या, पहले हॉस्पिटल नहीं थे क्या, पहले एयरपोर्ट, अरे सुनो, एयरपोर्ट नहीं थे क्या, कैसी बात, अरे सुनो, पहले सुनो, शांत रहो, सुनो, क्या सुनो, सुनोगे तुम सुनोगे, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तुम सुनोगे जो मैं कह रहा हूँ, आप तो पूरा जो है पहले साइकिलों पे चढ़ते थे, समझ गए, उस टाइम पे स्कूटर पे चढ़ते थे, कार पे चढ़ते थे, मैंने कहा ना अगर ये ना होता, ये तुम्हारे, ये, अरे सुनो, सारी चीजें बनी बनाई, बनी बनाई, अरे सुन लो, सारी चीजें बनी बनाई मिल गई, ये मेरी बात सुनो, आप मुझे सुनो, आप दोनों मुझे सुनो, मुझे सुनो, क्या आपको देश को, क्या आपको देश को पढ़ा, पहले जवाब दो, स्कूटर इनका प्रधानमंत्री बनाता था, स्कूटर कार तुम्हारा प्रधानमंत्री बनाता था, राज क्या होता है, देश होता है, देश पहले, देश के बच्चे होते हैं, उनका मान सम्मान जीतो, राज क्या होता है, हम पे गुलामी नहीं है, राज नहीं है ये, हमारे आजाद हुए, हमारे स्कूटर बनाने वाले भी भारत के बेटे थे, जहाज बनाने वाले भी भारत के बेटे हैं, वो ही भारत का मान सम्मान है, वही भारत के मान सम्मान को खड़ा करते हैं, लेकिन घर का मालिक चोर हो जाए ना, तो वो बच्चों का भी मान सम्मान, परिवार का भी मान सम्मान, खानदान से लेकर, जनाब सुनिएगा, सुनिएगा, आदरणीय प्रधान, आप टीचर है, प्रोफेसर है, अच्छी बात है, आपने कहा देश के युवाओं का जवान, जनाब 4 साल के लिए आर्मी कर दिए, 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल, आर्मी कौन सा, इंडियन आर्मी में जो भी भर्ती हो, पत, अलग योजना है, अरे सब सुनो, आर्मी को नहीं कर, पहले पूरा क्यों करेंगे, उन्हें पता है जब उद्योगपतियों को सिक्योरिटी का जवाब, सिक्योरिटी दी जाती है तो आर्मी देते थे, उस पर विपक्ष सवाल उठाता था, कौन सा उद्योग है भाई जो आप प्राइवेट, जवाब ये है, यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा हो 4 साल की डिग्रियां लेता है, नौकरी नहीं मिलती, 6 महीने की बढ़िया ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेता है तो अमेरिका तक उसे नौकरी देने के लिए तैयार होता है। अच्छा। तो भारत के उन बच्चों को, युवाओं को हमने ट्रेनिंग दे करके युद्ध का एक सैनिक बनाया है, जरूरत पड़ने पर वो आग से लड़ने का मुकाबला करेंगे। रही बात जान की, जान की तो हमारी जान तो हर समय भारत माता के लिए कुर्बान।